हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजे हैं और ये देखिए मैं अपने आ गई हूँ अपने पौधों के पास। तो देखिए मेरा मनी प्लांट दिखाती हूँ आज कि ठंड में कैसा हो गया है। ये देखिए पूरा ऐसे हो गया है जैसे कि इसमें जान ही नहीं है ठंड के कारण। तो ये देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ पीली भी हो गई हैं, तो मैंने सोचा ये पीली पत्तियाँ निकाल लेते हैं नहाने से पहले, कुछ अपने पौधे की सफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए सब पीली पत्तियाँ, ये देखिए निकाल लूँगी। देखिए वैसे तो ये पत्तियाँ अपने आप झड़के और इसका खाद बन जाता है, लेकिन अभी फिर वही है ना, ये पत्तियाँ इसके अंदर गिर जाती हैं, तो इसमें ये हम थोड़ा सा भी पानी डालते हैं वो भी खड़ा रहता है इसमें, तो इतना ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता सर्दी में, क्योंकि सर्दी में तो हम हफ्ते में एक बार भी पानी दे दें वो भी हमारे पौधे में की मिट्टी में ही रहता है, तो कम से कम पानी देना होता है। तो इसलिए ये पत्तियाँ मैं अभी इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि पत्तियाँ इसके अंदर रहेगी तो इसमें नमी बनी रहेगी और इसमें थोड़ी हवा का सर्कुलर होता रहेगा, तो मैं इसमें से ये निकाल रही हूँ जिससे हमारा प्लांट थोड़ा अच्छे से थोड़ा ग्रोथ करता रहे, क्योंकि वैसे तो सर्दी में देखिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा तो इसमें से नई नई लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी। तो अभी थोड़ी ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है ठंड में, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। अब की बार गर्मी भी बहुत पड़ी थी तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारे पौधे हमने गर्मी में भी बहुत मुश्किल से बचाए थे और अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है इनको बचाना, क्योंकि ठंड बहुत है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है, ये देखिए दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, तो सारे ही पौधे हमारे सो से गए हैं ठंड के कारण। तो देखिए केयर तो हमें सर्दी में भी करनी पड़ती है इनकी और गर्मी में भी, तभी हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर हम सोचें कि हमें ठंड लगती है तो इनको भी ठंड लगती है, और हमें गर्मी लगती है तो इनको भी गर्मी लगती है, तो बहुत ज़रूरी है अपने पौधों की केयर करनी। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले मैं ये काम कर लूँ, अपने पौधों की जो पत्तियाँ पीली हैं ये सब निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर और काम करेंगे। तो देखिए इतनी सारी पत्तियाँ मैंने इसकी निकाल दी है, ये देखिए, और इसको मैं रख देती हूँ, सुखा देती हूँ, और गर्मियों में ये बहुत काम आएंगी जब हमारे पौधों में हमें खाद की ज़रूरत होगी, तो इन्हीं से ही हमारे इन्हीं का ही खाद बना के हम अपने प्लांट में डाल देंगे, गर्मी में बहुत अच्छी यूज होएंगी ये पौधों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इन पत्तियों को नहीं निकालते तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पत्तियों के नीचे ना ये देखिए पानी, अब जब हम डालते हैं तो ये देखिए थोड़ी फंगस टाइप, ये ऐसे फंगस लग जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे पौधों की जो पत्तियाँ पीली होकर पौधे के अंदर ही झड़ जाती है, तो सर्दियों में उसको निकाल दें, नहीं तो ये देखिए ये थोड़ी पत्तियों के नीचे ये फंगस हो जाती है और यही हमारे प्लांट को ख़त्म कर देती है, मतलब ख़राब कर देती है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो देखिए मैंने अब इसकी पूरी सफाई कर दी है, सारी पत्तियाँ इसमें से निकाल दी हैं ताकि थोड़ा सा हवा का सर्कुलर इसका बना रहेगा, और हवा लगेगी तो इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी, तो थोड़ी बहुत धूप भी मिलेगी हमारी इन पत्तियों को, क्योंकि अगर ये पत्तियाँ इसके अंदर पड़ी रहेंगी तो इसमें धूप नहीं लगेगी और ये फंगस हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने पूरा प्लांट की सफाई कर दी है और कुछ ऐसा हो गया है, देखिए दोनों जो मेरे मनी प्लांट है इसमें से मैंने सारे पत्ते निकाल दिए हैं जो पीले हो रखे थे, जो सूख गए थे, जो झड़ गए थे, और अब देखिए ये देखिए ये सारे मैंने निकाल दिए हैं, और हमारा प्लांट अब जैसे ही थोड़ी बहुत धूप लगेगी इस पर तो ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने मनी प्लांट की कोई भी पौधा हो ऐसे ही सर्दी में थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ी केयर अच्छे से करेंगे हम, तो हमारे प्लांट गर्मियों तक बचे रहेंगे, नहीं तो सर्दी में भी ख़राब होने का डर होता है इनका, तो दोनों ही उससे सर्दी से भी गर्मी से भी बचाने होते हैं हमें अपने प्लांट। तो पूरी
पूरा ध्यान रखें, अगर आपके भी पौधे में ऐसे पीली पत्ती हो रखी है और झड़ के पौधे के अंदर गिर गई हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पत्तियों के नीचे फंगस ना लगे, नहीं तो नीचे से पौधा गलना शुरू हो जाएगा और आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।